सूर्य ग्रहण इस बार भारत के साथ कई स्थानों में देखा गया। 26 दिसंबर सूर्य ग्रहण में 6 ग्रह एक साथ होंगे और यह कई राशियों को प्रभावित करेगा। सूर्य ग्रहण के चलते खलघाट में स्थित नर्मदा तट पर सामूहिक जप और हवन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सामूहिक जप के माध्यम से महिला और पुरुषों ने अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर जप का कार्यक्रम संपन्न हुआ। बताया जाता है कि सूर्य ग्रहण में जप तप का विशेष माना जाता है। वहीं मुस्लिम समाज द्वारा भी कसरावत में 26 दिसंबर को सूर्य ग्रहण होने पर मुस्लिम समाज ने नमाज अदा की, जिसे नमाज एक कसूब कहा जाता है। ये नमाज कसरावत में मरकज मस्जिद और गोसिया मस्जिद में अदा की गई, जिसमें 2 रकात नमाज अदा की गई। इस नमाज में सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से आम रहवासियों को बचाव की दुआ की गई। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। जी, ग्रहण में पूजन का, साधना का, यज्ञ का विशेष महत्व होता है और जो ये सूर्य ग्रहण पड़ा है ये धनु राशि और मूल नक्षत्र में पड़ा है, तो धनु राशि और मूल नक्षत्र के जातकों को विशेष करके ये नेस्ट हानिप्रद है। इसमें उन लोगों ने विशेष सावधानियां, जो 12 राशियां हैं उन 12 राशियों में जिन जिन राशियों के लिए ये हानिप्रद है उनको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए और ग्रहण काल में स्नान, दान, जप, व्रत, इन सब का विशेष महत्व है। जो ग्रहण काल में व्यक्ति किसी मंत्र की सिद्धि करना चाहता है तो वो विशेष रूप से अपनी साधना करे, यज्ञ करे और भगवान का आराधन करना चाहिए। ग्रहण काल में कुछ निषिद्ध बातें बतलाई गई उनका त्याग करके विशेष रूप से केवल भगवत आराधन करना श्रेष्ठ बतलाया गया है। ग्रहण काल में सूर्य की ओर न देखें, उससे जो किरणें निकलती है वो हानि करती है, रोग उत्पन्न करती है, इसलिए इस बात की विशेष सावधानी रखें। और ये जो आज हम खलघाट नर्मदा किनारे भगवान का भजन पूजन हवन साधन कर रहे हैं ये विशेष फलप्रद है। पंडित जी, आपका नाम? मेरा नाम पंडित सुमित जोशी, मैं धामनो सर्व मंगला मंदिर का पुजारी हूँ और यहाँ पर अनुष्ठान के लिए आया हूँ। सूरज ग्रहण जिसे नमाज कसूब कहा जाता है वो गौसिया मस्जिद में अदा की गई कि ये सूरज ग्रहण अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, जैसा कि पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब ये हो उस वक्त अल्लाह के अजाब से पनाह मांगी जाए। और इस तरह से ये सूरज और चांद को ग्रहण किसी इंसान के या दुनिया की वजह से नहीं लगता बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की निशानियों में से निशानी है, जैसा कि इस्लाम के अंदर फरमाया गया है। और ये सूरज और चांद को जब भी ग्रहण लगता है तो हमें इस मौके पर अपने मालिक व मौला की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, दुआ करना चाहिए कि ये अजाब होता है एक तरह से जो जल्दी से दूर हो जाए। आपका नाम क्या है? मोहम्मद नौशाद आलम कादरी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।